दोस्तों ये सेशन और भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर आप सीरियस हैं पैसे को लेकर के, फ्यूचर में अपने बैंक बैलेंस को लेकर के, अपनी वर्तमान परिस्थिति में बैंक बैलेंस को लेकर के, या अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर तरीके से जीने के लिए, तो उस सिचुएशन में ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैक्सिमम, मैं समझता हूं आप में से मैक्सिमम लोग इस बात को जानते होंगे कि आज का जो सेशन होने वाला है ये क्रिप्टो करेंसी का एक बिल्कुल लेटेस्ट इमर्जिंग, एक बिगनिंग प्रोजेक्ट है जिसका नाम है थंडर ट्रेंड टोकन। दोस्तों क्या है प्रोजेक्ट और कैसे ये काम करता है, आगे कहां तक ये जाने वाला है, ये सारी चीजों को जानेंगे। बट दोस्तों मैं अगेन कहना चाहूंगा, अपने उन सभी दोस्तों को प्लीज इनवाइट कर लीजिए जिनको आप वाकई चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में तरक्की होनी चाहिए, वाकई आप चाहते हैं उनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उनको उससे बाहर आना चाहिए, प्लीज आप उनको इन्वाइट कर लीजिए। यस, ऑल राइट, 9:08 हो चुके हैं और मैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत करना चाहूंगा क्रिप्टो करेंसी के मदर करेंसी से, यानी मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से। दोस्तों अवेयरनेस इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारी लाइफ में, अगर जरा सा चूक गए तो कई वर्षों तक पीछे हो जाते हैं। लाइक दोस्तों आज के डेट में मुझे लगता है इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे 98% लोग बिटकॉइन के बारे में जरूर जानते होंगे। दोस्तों अगर आपने 2008-2009 के शुरुआत में बिटकॉइन के बारे में जानकारी नहीं पाए तो आपने बिटकॉइन का मौका मिस किया। एथेरियम को 6 साल पहले जब एथेरियम शुरुआत कर रहा था, अगर आपको एथेरियम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली आपने मौका मिस किया। 4 साल पहले आपने बीएनबी को मिस किया, 1.5 साल पहले आपने सोलाना मिस किया, 1 साल पहले, 4 साल पहले ट्रॉन को मिस किया, 1.5 साल पहले, 1.5 से 2 साल पहले आपने वाईएफ सेकंड को मिस किया, 5 साल पहले आपने XRP को मिस किया, 2.5 साल पहले आपने मैटिक को मिस किया। मैं क्यों बोल रहा हूँ मिस किया, दोस्तों क्रिप्टो करेंसी वाकई एक डिजिटल करेंसी है जो पूरी ग्लोबल मार्केट में सिंगल करेंसी से आप काम चला सकते हैं, यानी अलग अलग कंट्री में जाते हैं तो वहां करेंसी को एक्सचेंज करने का प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरी चीज, इसको डिमोनेटाइज नहीं किया जा सकता, ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एक, इस पे कोई सेंट्रल कमांड नहीं होता है। तीसरी चीज, इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ही सबसे प्रायोरिटी पे होती है ट्रांसपेरेंसी। अगेन नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें, इसका जो ब्लॉकचेन का जो लेजर है, जो डिजिटल लेजर है, जो इम्यूटेबल है। एंड नेक्स्ट, पैसे की ग्रोथ। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों अगर बिटकॉइन की शुरुआत से लेकर के 2021 के नवंबर तक का डेटा देखेंगे तो बिटकॉइन ने लोगों को 5 बिलियन% का ग्रोथ दिया है। एथेरियम की बात करेंगे 897,000% का ग्रोथ दिया है। बीएनबी की बात करेंगे जो कि बाइनेंस का टोकन की क्वाइन है, 714,000% का ग्रोथ दिया है केवल 4 साल में। सोलाना की बात करेंगे तो केवल 1.5 साल में 42,000% की ग्रोथ दिया है। ट्रॉन की बात करेंगे तो ट्रॉन ने केवल अपने स्टार्टिंग के 1 साल के अंदर 12,000% की ग्रोथ दिया। वाईएफ सेकंड, यर्न फाइनेंस सेकंड की बात करेंगे तो 5,500% की ग्रोथ है केवल 1.5 साल के अंदर। XRP की बात करें 73,000% का ग्रोथ है केवल 5 साल के अंदर। मैटिक की बात करेंगे जो कि इंडिया का एक इनिशिएटिव है क्रिप्टो स्पेस में, 87,000% का ग्रोथ है केवल 2.5 साल के अंदर। सो दोस्तों राइट नाउ हम ट्रॉन थंडर टोकन के बारे में बात कर रहे हैं, थंडर ट्रेंड टोकन के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके अगले 4 सालों के अंदर कहां पर ग्रोथ होने वाली है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये राइट टाइम है, आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं, लेकिन आपको बचना होगा स्कीम और स्कैम वाले, पोंजी पिरामिड वाले प्रोजेक्टों से और मनी सर्कुलेशन करने वाले प्रोजेक्टों से। क्रिप्टो करेंसी से केवल 2 तरीके से आप पैसा बना सकते हैं, बाय द इन्वेस्टमेंट और बाय द ट्रेडिंग सिस्टमैटिकली। सो दोस्तों बहुत सारे स्कैम वाले प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बचिए और बचिए और अपनों को भी बचाइए। तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो है थंडर ट्रेंड टोकन के बारे में। दोस्तों थंडर ट्रेंड टोकन नेक्स्ट जनरेशन क्रिप्टो कम्युनिटी प्रोग्राम है।
इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करूं, मैं बताना चाहूंगा कि हर क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च होने से पहले, प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च होने से पहले उसको अपनी कम्युनिटी बिल्ड करना ही होता है, वो एयर ड्रॉप के माध्यम से बिल्ड करते हैं। बट यहाँ पर सेंस को थोड़ा सा चेंज किया गया है, तरीका थोड़ा सा अलग इस्तेमाल किया गया है और उसके माध्यम से कम्युनिटी को बिल्ड किया जा रहा है। तो दोस्तों, ट्रॉन थंडर ट्रेंड टोकन वाकई इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन हमारा जो कम्युनिटी प्रोग्राम है, जिसमें हम कम्युनिटी को बिल्ड करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में अवेयर कर रहे हैं और भी तमाम दूसरे एडवांटेजेस मिल रहे हैं, ये प्रोग्राम प्योरली कंट्रीब्यूशन के आधार पर चल रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसा ना समझे कि आप लाखों करोड़ रुपए कम्युनिटी में डोनेट कर देंगे या कंट्रीब्यूट कर देंगे तो आपको डेली 1% 2% ऐसा कुछ मिलने वाला है। नो, ये आपको मिलेगा टोकन को जब आप बाई करके, होल्ड करके, स्टेक करके रखेंगे या ट्रेडिंग करेंगे, वहां पर मिलेगा। लेकिन कम्युनिटी से जो कुछ मिल रहा है वो माइंड ब्लोइंग है। एक आम इंसान जिसको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, जिसको स्टेकिंग के बारे में कुछ नहीं पता, माइनिंग के बारे में कुछ नहीं पता, वो कंट्रीब्यूशन के आधार पे भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन करके और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन अर्न कर सकता है। और यस, आपको अवेयर करने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए इस प्रेजेंटेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो सब कुछ मार्केट से रिसर्च करके प्रॉपर आर्टिकल और जनरल मीडिया पब्लिकेशन के माध्यम से लिया गया है। 100% एक्यूरेसी के साथ सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउटफुल लगता है, आप क्रॉस चेक कीजिए, जिस भी ऑथेंटिकेटेड सोर्स से आपको लगता है वेरीफाई कीजिए। आफ्टर देन अगर आपको लगता है कि यस प्रोजेक्ट दमदार है, जबरदस्त है, शानदार है, तो वेलकम है और शुरुआत कीजिए अपनी जर्नी को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रोजेक्ट के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगले 2 साल के लिए आपने क्या प्लान किया है। सपोज करिए आप ट्रॉन थंडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगले 2 साल के लिए आपने इनकम को लेके क्या प्लान किया हुआ है? क्या आपने अपनी वर्तमान जॉब या एक्स्ट्रा जॉब के माध्यम से कोई एक्स्ट्रा इनकम के लिए लाख रुपए का प्लानिंग किया हुआ है कि अगले 2 साल में कम से कम 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा इनकम कर लेना है, या फिर 2 लाख रुपए कर लेना है, या 20 लाख रुपए कर लेना है, या 2 करोड़ रुपए कर लेना है? अगर नहीं तो इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर इसे आपने समझ लिया और समझ करके प्रॉपर इसे आपने इंप्लीमेंट किया, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं सिस्टम को सीखने वाला पैसा कभी नहीं कमाता। हेलो, सिस्टम को सीखने वाला इंसान पैसा कभी नहीं कमाता। पैसा वो कमाता है जो सिस्टम को सीख कर इंप्लीमेंट करता है, उसको फॉलो करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट के बारे में जानना है और समझना होगा कि प्रोजेक्ट वर्तमान में क्या है और भविष्य में कहां तक पहुंच सकता है। ओके, तो आइए जानते हैं और समझते हैं थंडर ट्रेंड टोकन प्रोजेक्ट क्या है। दोस्तों, थंडर ट्रेंड टोकन बेसिकली कम्युनिटी आधारित क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, एक न्यू जनरेशन ग्लोबल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का उद्देश्य पूरे विश्व के लोगों को एक सिंगल कम्युनिटी में लेकर के आना, टेक्निकल एजुकेशन, फ्री क्रिप्टो करेंसी, प्ले टू अर्न गेम, एडवर्टाइजमेंट, अफिलियट मार्केटिंग जैसी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए लोगों को गरीबी मिटाने में सपोर्ट करना है। थंडर ट्रेंड टोकन क्रिप्टो टोकन है जिसे TRC20 टेक्नोलॉजी पर डेवलप किया गया है। इसकी टोटल टोकन सप्लाई 21 करोड़ मात्र है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में 3 तरह की क्रिप्टो करेंसी आती है। एक जिसकी सप्लाई लिमिट फिक्स होती है कि इससे ज्यादा नहीं आता है, और दूसरा जिसमें डिफ्लेशनरी सप्लाई होती है, और तीसरा जिसमें अनलिमिटेड होती है। जैसे बिटकॉइन को देखेंगे, उसकी सप्लाई फिक्स है, उसी तरीके से यहाँ पे थंडर ट्रेंड टोकन की भी सप्लाई फिक्स है, 21 करोड़, इससे ज्यादा नहीं आने वाला है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो TRC20 टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रॉन के ब्लॉकचेन पर वर्क करती है। दोस्तों, इस टोकन का इस्तेमाल लोग ट्रेडिंग और स्टेकिंग के लिए भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्रॉन थंडर कम्युनिटी में, थंडर ट्रेंड कम्युनिटी में, इसके इकोसिस्टम में अवेलेबल जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें थंडर ट्रेंड टोकन के फाउंडर और प्रमोटर टीम के बारे में। थंडर ट्रेंड टोकन की शुरुआत साउथ अफ्रीका की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, साउथ कोस्ट वेब। तो साउथ कोस्ट वेब के मालिक है मिस्टर जेपी रेडमियर। इन्होंने ही 15 जुलाई 2021 को इस
थंडर ट्रेंड प्रोजेक्ट की शुरुआत किया। मूलतः मिस्टर जेपी रेड्डी मेयर पिछले 23 साल से पीसी सपोर्ट वेबसाइट डेवलपमेंट गेमिंग और आर्किटेक्चर के तौर पर गेमिंग आर्किटेक्चर के तौर पर काम कर रहे हैं और इसके अलावा पिछले 2017 से वर्ल्ड के क्रिप्टो करेंसी और मल्टी लेवल मार्केटिंग लीडर्स के साथ मिलकर के वर्ल्ड के कुछ सेलेक्टेड वेल नोन प्रोजेक्ट को प्रमोट और डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम किया हुआ है। एंड दोस्तों इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में और भी स्पेशल क्या, मुझे क्या स्पेशल इसमें लगा वो पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहला कि इस प्रोजेक्ट में शुरुआत करना बहुत ही आसान है। दोस्तों जो नए साथी हैं, आप लोगों को बताता चलूं कि बिना लाइबिलिटी के, बिना रिस्क फ्री, बिना किसी रिस्क के यहां पे पिछले 7 महीने के अंदर लोगों ने 2,40,50,00,000 रुपए की इनकम किया है। बट दोस्तों इतनी बड़ी इनकम लेने के लिए मात्र 1200 ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करके उन लोगों ने शुरुआत किया। हाँ, शुरुआती दौर में इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए मैक्सिमम अमाउंट 2400 ट्रॉन की जरूरत पड़ती थी, तो 2400 ट्रॉन का शुरुआत किया होगा, लेकिन उस समय 2400 ट्रॉन की कीमत 15,000 से 16,000 रुपए के आसपास की होती थी। अब जरा सोचिए इतने नॉमिनल अमाउंट से शुरुआत करके इतनी बड़ी अचीवमेंट अगर हो रही है तो वाकई स्टार्टअप बिल्कुल आसान है। दूसरा पॉइंट दोस्तों मुझे जो इसमें बहुत ही सही लगा, बहुत ही जेन्युइन लगा, और वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का फीचर। इस प्रोजेक्ट में आपकी इंफॉर्मेशन और आपकी इनकम प्रॉपर 100% सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि जितना भी लेन देन होता है वो सभी ट्रॉन ब्लॉकचेन के माध्यम से होता है, और आप जानते हैं कि ब्लॉकचेन के माध्यम से होने वाली 100% जो ट्रांजेक्शन होती है 100% सेफ एंड सिक्योर होती है। कभी भी हैक नहीं कर सकते और कभी भी उसमें कोई एडिट नहीं कर सकते। दोस्तों इसमें अगला जो मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगता है वो यूजर फ्रेंडली। दोस्तों दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक बिल्कुल सामान्य इंसान होता है जिसे टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होती है। बट इस प्रोजेक्ट को जब शुरुआत कर रहे थे मिस्टर जेपी लेटिमियर, तो शुरुआत करने के टाइम उनके माइंड में यह ध्यान आया कि मुझे प्रोजेक्ट को इतना सिंपलिस्टिक बनाना है कि एक सामान्य इंसान जिसका क्रिप्टो करेंसी से, अफिलिएट मार्केटिंग से और जो तमाम चीजें टेक्निकल होती हैं उससे अगर उसका दूर दूर तक नाता नहीं हो, रिश्ता नाता नहीं हो, कोई वादा कोई वास्ता नहीं हो, वो इंसान भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होकर के बहुत ही अच्छा पैसा बना सके, क्योंकि प्रोजेक्ट का मकसद दुनिया की गरीबी मिटाना भी एक है। दोस्तों इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट मुझे सही लगा वो है 100% ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों दुनिया की जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो वाकई लेजिटिमेट है, जो वाकई आज टॉप पे काम कर रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करते हैं। आप बिटकॉइन को देखें, ट्रॉन को देखें, एथेरियम को देखें, सोलाना को देखें, ये लोग 100% ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है। और यस, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए थंडर ट्रेंड टोकन में 100% ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया गया है। ये कैसे होता है दोस्तों, थंडर ट्रेंड कम्युनिटी में डेली कितने लोग शामिल हो रहे हैं, उनके एक एक नंबर्स का डेटा ट्रॉन थंडर की वेबसाइट पे अवेलेबल है। कितने अचीवर क्रिएट हो रहे हैं उसका एक एक डेटा अवेलेबल है, और कितना ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन अभी तक किया गया है इसका भी डेटा अवेलेबल है। दोस्तों अगर ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 15 जुलाई 2021 से शुरुआत करके 15 अगस्त 2021 को प्री लॉन्चिंग थी और 9 अक्टूबर 2021 को इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल लॉन्चिंग था। इस छोटे से पीरियड में 19,30,70,104 ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और अगर कम्युनिटी की बात करें दोस्तों तो टोटल 1,37,964 लोगों की पेड कम्युनिटी बिल्ड की गई है, और अचीवर्स की संख्या भी देखेंगे दोस्तों तो लगभग 9% है। यस, मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि 9% अचीवर्स की संख्या है। और आप पूरे मार्केट में रिसर्च कर लीजिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग करने वाले और अचीवमेंट करने वाले लोगों का जो ये रेशियो है, परसेंटेज का ये जो रेशियो है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगा, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन 40 साल से काम कर रही हो, चाहे 35 साल से या 25 साल से काम कर रही हो। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे टॉपिक लगा दोस्तों। और क्या कि जितने भी लेन देन होते हैं सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है,
क्योंकि ट्रॉन के ब्लॉकचेन के माध्यम से सारे लेन देन को एग्जीक्यूट किया जाता है। और आप जानते हैं ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि ट्रांसपेरेंसी नंबर एक पे रहता है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे अगला पॉइंट बहुत ही यूनिक लगा वो ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी इनकम होती है, जो भी रिवार्ड मिलता है, आपको विद इन माइक्रोसेकेंड आपके थंडर अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है। और आप जब चाहें अपनी सहूलियत के हिसाब से विड्रॉल कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए राइट नाउ, डे वन से वन मतलब शुरुआत के एक घंटे से ही आप इनकम लेना चालू कर सकते हैं, भले ही आपने किसी को रेफरल किया हो या नहीं किया हो। क्योंकि यहाँ पे बाइनरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेग पुलिंग लेग बनाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंगल लाइन का ग्लोबल कम्युनिटी प्रोग्राम है। इसी वजह से आपके ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट जो लोग आते हैं वो सब आपके डाउनलाइन में ऑटोमेटिकली फॉल करते जाते हैं, यानी ऑटोमेटिकली आपके डाउनलाइन में उनकी प्लेसमेंट होती जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट लगा दोस्तों कि जो लोग प्रमोशन करने वाले लोग हैं उनको तो एक्टिव इनकम के रूप में मिलता ही मिलता है, लेकिन जो वर्क नहीं कर सकते, जो सिस्टम को प्रोजेक्ट को केवल सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो उन्हें कम्युनिटी रिवार्ड के रूप में, पैसिव इनकम के रूप में एक बहुत ही खूबसूरत इनकम मिलती है। हाँ ये छोटी है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, बट यस डेली मिलता है ये पॉसिबिलिटी वाली अर्निंग है दोस्तों। ओवर कमिटमेंट नहीं है कि डेली आपको 20% मिलेगा, आप कुछ करिए या ना करिए, नो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे प्रोजेक्ट हमेशा आपको नुकसान पहुंचाते हैं। सो यहां पे कम्युनिटी रिवार्ड कैसे मिलता है इसे हम जानेंगे आगे, लेकिन इसमें एक पॉइंट मुझे और जो बहुत यूनिक लगता है, जो ये पॉइंट इस सिस्टम को, इस प्रोजेक्ट को 100% लेजिटिमेट साबित करता है, और दोस्तों वो पॉइंट है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ट्रॉन थंडर का देखिए, क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो देखिए और उसके बाद आप भी एक घंटे के बाद वीडियो अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है, उसका बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका यूज केस क्या है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यही चीज थंडर ट्रेन टोकन को सबसे बड़ा पावरफुल बनाती है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगले 2 साल, मैक्सिमम 2 साल के अंदर अंदर एक टोकन की शुरुआत जो हो रही है $0.1 से, ये टोकन अगले 1 से 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर कुछ ठीक नहीं, कम से कम ये $100 को पार करेगा, यानी कि 1000 गुना का ये ग्रोथ हासिल करने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वाकई वो इतने डिमांडेड हैं, और कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए जो कम्युनिटी प्रोग्राम डिजाइन किया गया है वाकई अपने में यूनिक और शानदार है। दोस्तों ये कितना यूनिक और शानदार है, कितना ये पावरफुल है, मैं आपको बताता चलूं, पिछले 7 महीने के अंदर इसके पे प्लान का कम से कम 35 कॉपी आ चुका है, डुप्लीकेट कॉपी, और डुप्लीकेट उसी का आता है जिसके में दम होता है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, आइए मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। कम्युनिटी के गोल के बारे में, क्योंकि जितने भी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका रोड मैप जरूर जानना चाहिए, क्योंकि अगर उसका रोड मैप नहीं है तो समझिए कि वहां पे धोखा है। यहाँ पे ट्रॉन थंडर का अपना, थंडर ट्रेंड का अपना रोड मैप है, और यस आप इनकी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं 2024 तक का रोड मैप पहले ही क्लियर है। और दोस्तों साथ ही कम्युनिटी को बिल्ड करने का जो गोल सेट किया गया है, जून 2022 तक 5 लाख लोगों की एक्टिव पेड कम्युनिटी बिल्ड करना टारगेट है, और सितंबर 2022 तक 10 लाख लोगों की एक्टिव कम्युनिटी बिल्ड करने का टारगेट है। अब जरा सोचिए 10 लाख लोगों की एक्टिव कम्युनिटी, केवल 21 करोड़ का टोकन और 5 मेगा इंडस्ट्री को कंबाइन किया गया है, 5 मेगा अलग अलग इंडस्ट्री को कंबाइन किया गया है जहां इस टोकन का इस्तेमाल होने वाला है, कंजप्शन होने वाला है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप क्रिप्टो के बारे में थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कितना पावरफुल है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जहां पे टोकन कंजप्शन होने वाला है इसके बारे में आपको बताते चलें। लाइटनिंग एकेडमी इस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बकेट में पहला जो फ्लावर है, फ्लावर तो नहीं कहना चाहिए, फायर है, बट यस पहला जो फ्लावर है
वो ये है दोस्तों, लाइटनिंग एकेडमी। लाइटनिंग एकेडमी के माध्यम से ट्रॉन थंडर कम्युनिटी को ज्वाइन करने वाले सभी मेंबर्स को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट करने के बारे में ट्रेनिंग और एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कीजिएगा। सॉरी, ये चार्जेबल होगा, जो भी होगा वो लाइटनिंग एकेडमी के माध्यम से होगा। और बेसिकली लाइटनिंग एकेडमी में कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड टॉपिक्स अवेलेबल होंगे। और दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट भी काम कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि लोगों की इनकम को बढ़ाने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो वर्किंग आवर बढ़ाए जाए या तो स्किल को बढ़ाया जाए। वर्किंग आवर बढ़ाने के लिए आपको डुप्लीकेशन करके अब नेटवर्किंग करना पड़ेगा, अपनी बहुत सारी ब्रांचेस ओपन करनी पड़ेंगी, और स्किल को बढ़ाने के लिए आपको नए स्किल को सीखने के लिए काम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट स्किल इंडिया के ऊपर काम कर रही है, और द सेम वे ट्रॉन थंडर कम्युनिटी यानी थंडर ट्रेंड कम्युनिटी के माध्यम से भी आपको स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। दोस्तों, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की कैटेगरी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो लाइटनिंग एकेडमी के माध्यम से जो हमने देखा, इसके अलावा नेटवर्थ पॉइंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की कैटेगरी में सेकंड पॉइंट आता है नेटवर्थ पॉइंट का। दोस्तों, फ्यूचर में थंडर कम्युनिटी में और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे फ्री एयर ड्रॉप के माध्यम से। कम्युनिटी के लोगों को बहुत सारे फ्री में टोकन मिलेंगे, लेकिन इस टोकन को पाने के लिए हमारे पास नेटवर्थ पॉइंट होना चाहिए। और दोस्तों, जो लोग भी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, जितना भी कंट्रीब्यूशन करके ज्वाइन करते हैं और जब भी विड्रॉल करते हैं, उनके रिकंट्रीब्यूशन का उतनी क्वांटिटी, उतनी वैल्यू का उन्हें नेटवर्थ पॉइंट गिफ्ट कर दिया जाता है। और इसका एडवांटेज दोस्तों, आप फ्यूचर में लॉन्च होने वाली क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करके कर सकते हैं, और ट्रॉन थंडर के इकोसिस्टम में अवेलेबल जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होंगी उसको एक्सेस करने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा यूज केस है केवल क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने के बारे में अगर बात करेंगे तो। सपोज करिए, किसी को अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना है और उनको फ्री में एयर ड्रॉप देना है कम से कम 100 करोड़ टोकन का। अब 100 करोड़ टोकन को वो पहले हमारे टोकन से एक्सचेंज करेंगे, आफ्टर दैट वो हमारी कम्युनिटी में लॉन्च कर सकेंगे। अब जरा सोचिए, इतने बड़े बड़े ऑर्डर जब हमारे टोकन्स के आएंगे तो टोकन्स की वैल्यू कहाँ पे जाने वाली है। बट ये सब पॉसिबल होगा आप सबके डेडिकेशन से, आपके सपोर्ट से, आपके कंट्रीब्यूशन से। और यस, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आपने बिटकॉइन मिस किया, आप ट्रॉन थंडर को बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट और इस तरह के प्रोजेक्ट का जो फाउंडर है, जो इंटेंशन है सामने वाले की, जो नियत है सामने वाले की, वो ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, रेयर। तो प्लीज इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल हल्के में ना लें, नहीं तो जिन लोगों ने 2009 में बिटकॉइन को हल्के में लिया, वो 2021 में जो भी कुछ सोच रहे होंगे वो आने वाले 2005 से 6 साल के बाद, अगले 5 से 6 साल के बाद 2026-27-28 में आप ट्रॉन थंडर यानी थंडर ट्रेंड टोकन को भी लेके सोच रहे होंगे कि काश मैंने उस प्रेजेंटेशन में जो इंफॉर्मेशन मिल रही थी, जो मेरे दोस्त ने मुझे बोल रहा था, उसे मान लेना चाहिए था। तो ये काश कहने का मौका मत दीजिए, प्रोजेक्ट को समझिए। और आगे मैं बात करता हूं दोस्तों, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की कैटेगरी में थंडरवर्स एनएफटी गेमिंग। यस, हमारा अगला जो गेम लॉन्च होने वाला है, या फ्यूचर में और भी जो गेम लॉन्च होंगे, मोस्टली एनएफटी बेस होंगे। और दोस्तों, एनएफटी आज के डेट में सबसे ज्यादा हॉट एंड डिमांडिंग, और फ्यूचर में और भी डिमांडिंग रहने वाला है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा हो सके तो गूगल कीजिएगा, टाइम स्पेंड है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। बट एनएफटी एक नई टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी में ही एक नया एडवांस वर्जन है। तो दोस्तों, जितने भी गेम लॉन्च होंगे वो एनएफटी बेस्ड गेम होंगे, और साथ ही इस गेम को प्ले करके, ये प्ले टू अर्न गेम होंगे, यानी प्ले टू अर्न गेम होता है जिस गेम को प्ले करके आप इन रिवार्ड अर्न करते हैं, और उस रिवार्ड को आप अपने इंडियन रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ट्रॉन थंडर ट्रेंड टोकन की जरूरत पड़ने वाली है, यानी गेम को प्ले करने के लिए भी आपको इस टोकन की जरूरत पड़ेगी। अमेजिंग, आप सोचिए डेली कितने करोड़ रुपए का इसका ऑर्डर होने वाला है।
एंड अगेन इसी सीरीज में हम और आगे बढ़ते हैं तो थंडर एडवर्ल्ड भी इसमें शामिल किया गया है। एडवर्ल्ड का प्रोग्राम इसलिए डिजाइन किया गया है कि देखेंगे तो दुनिया में, अगर हम गौर करेंगे तो दुनिया में एडवर्टाइजमेंट की इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों, और अगर कोई टोकन इस इंडस्ट्री का लॉन्च किया गया है तो यकीन मानिए अपने आप में ये बहुत बड़ा टोकन का एसेट्स है, बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि आज की डेट में 647 बिलियन डॉलर से ज्यादा का मार्केट कैपिटल है केवल एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री की। और केवल एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर दूं, फेसबुक का, तो फेसबुक के ओनर जुकरबर्ग को हर घंटे 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू जाता है केवल एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों ट्रॉन थंडर कम्युनिटी में भी, यानी कि थंडर ट्रेंड कम्युनिटी में भी एडवर्टाइजमेंट फ्यूचर में आएंगे, जिन्हें भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, क्योंकि थंडर कम्युनिटी एक्टिव कम्युनिटी है इसलिए उन्हें बिजनेस प्रमोट करना आसान रहेगा, उन्हें बहुत सारे नए यूजर्स, नए क्लाइंट, नए प्रोस्पेक्ट, नए कस्टमर्स थंडर कम्युनिटी से मिलेंगे, इसलिए वो अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे, और इसके लिए भी उन्हें टोकन की जरूरत पड़ेगी। अमेजिंग। और दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पे अफिलियट सिस्टम को भी ऐड किया गया है जहां पे टोकन का इस्तेमाल होने वाला है। आप सोचिए डेली 10 लाख का टोकन का ऑर्डर आ रहा है, डेली 50 लाख का टोकन का ऑर्डर आ रहा है, क्यों? क्योंकि लोगों को थंडर कम्युनिटी ज्वाइन करना है। तो थंडर कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए जस्ट अगले 3-4 मंथ के बाद उन्हें टोकन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम ट्रॉन को रिप्लेस कर देंगे। अमेजिंग दोस्तों, आप सोचिए इस अफिलियट मार्केटिंग सिस्टम में भी टोकन का कितना बड़ा इस्तेमाल होने वाला है, और कुल मिलाकर के अगर आप देखते हैं तो ये बहुत बड़ी मार्केट हो रही है जहां पे इस टोकन को कंज्यूम किया जाएगा। सप्लाई लिमिटेड है, सप्लाई फिक्स है, इससे ज्यादा टोकन नहीं आने वाला है। मार्केट साइज मैंने आपको बता ही दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया होगा कि फ्यूचर कहां पे जाने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं इनकम के बारे में, कि यहां पे किस तरीके से इनकम आएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बोर हो रहे हैं कि मैं प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं, पैसे के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, तो सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपना इंटेंशन चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आज तक आप जो लुटते आए हैं, जो बर्बाद होते आए हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आपने हमेशा वहां पे प्रॉफिट 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 देखा है, आपने ये नहीं देखा कि वो प्रॉफिट आएगा कहां से, उसके लॉजिक को समझने का कोशिश नहीं किया। और मेरा यहाँ पे मकसद है कि आप पहले लॉजिक को समझिए कि पैसा आएगा कहां से, क्योंकि यही आपको नहीं पता फिर आप क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण और बिल्कुल सटीक जानकारी हासिल करने के बाद अब हम लोग इस प्रोजेक्ट के कम्युनिटी प्रोग्राम से मिलने वाले फायदे के बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा नॉन वर्किंग पैसिव इनकम को, जिसको बोलते हैं ग्लोबल कम्युनिटी ज्वाइनिंग रिवार्ड। दोस्तों आपके बाद कहीं से किसी के माध्यम से ज्वाइन होने वाले अगले 20 लोगों के कंट्रीब्यूशन का 1% एक बार आपको मिलता है, यानी आपके बाद 20 लोगों ने ज्वाइन किया तो सबसे 1% मिला, यानी जितना आपने कंट्रीब्यूशन किया उसका 20% आपको विद इन 24 आवर रिवार्ड के रूप में वापस मिल गया। और दोस्तों इतना ही नहीं, नॉन वर्किंग पैसिव इनकम के रूप में एक इनकम और मिलती है, और वो है ग्लोबल कम्युनिटी विड्रॉल पर रिवार्ड। दोस्तों कहीं से किसी के माध्यम से आपके पहले ज्वाइन करने वाले 20 लोगों के और आपके बाद ज्वाइन करने वाले 20 लोगों के रिकंट्रीब्यूशन का 1% हमेशा बार बार मिलता रहता है। और दोस्तों थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, वर्किंग नॉन वर्किंग पैसिव इनकम के बारे में बात करेंगे, और दोस्तों वो है डायरेक्ट रेफरल रिवार्ड। दोस्तों आपके द्वारा डायरेक्ट इनवाइट किए गए लोगों के कंट्रीब्यूशन का और रिकंट्रीब्यूशन का 20% अमाउंट आपको हमेशा मिलता रहता है, यानी जब वो ज्वाइन करेंगे उस वक्त भी और जब वो विड्रॉल करेंगे उस वक्त भी 20% आपको हमेशा हमेशा मिलता रहता है। कोई हिडन प्लान, वो बोलते हैं ना टर्म एंड कंडीशन,
कोई हिडन टर्म एंड कंडीशन नहीं है, कोई एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई बीवीपीवी का चक्कर नहीं है, कोई सीसी का चक्कर नहीं है, कोई पीएस का चक्कर नहीं है, कोई बीएस का चक्कर नहीं है। 100% जो कुछ भी आपका बनता है वो विद इन माइक्रो सेकेंड आपके अकाउंट में एड हुआ, विड्रॉल कीजिए, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट के अंदर आपके वैलेट में ट्रांसफर हो गया। सपोज करिए कि आप लोगों ने, आपने 100 लोगों को डायरेक्ट में रेफरल कर दिया 1200 ट्रॉन से, अब प्रत्येक व्यक्ति से आपको 240 ट्रॉन मिल गए, और वो 100 लोग महीने का अगर 200 ट्रॉन का भी विड्रॉल कर रहे हैं तो उसका 20% आपको बार बार मिलता रहेगा। एंड दोस्तों थोड़ा सा आगे हम और बढ़ेंगे तो वर्किंग नॉन वर्किंग पैसिव इनकम के रूप में टीम द्वारा रेफरल करने पर भी रिवार्ड मिलता है, यानी जिनको आपने रेफरल किया अगर वो आगे रेफरल करते हैं तो वहां जो कम्युनिटी बन रही है वहां पर भी आपको इनकम मिल रही है। और यहाँ पे ऐसे दूसरे लेवल से लेकर के 6ठे लेवल तक प्रत्येक सदस्य के कंट्रीब्यूशन का, यानी ज्वाइनिंग करने पर जो पेमेंट देते हैं, और रिकंट्रीब्यूशन का 4% मिलता रहता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, वर्किंग नॉन वर्किंग इनकम यानी पैसिव इनकम के तौर पे इसे कह सकते हैं, टीम द्वारा रेफरल करने पर और भी रिवार्ड मिलता है, और वो ये है कि 7वें लेवल से लेकर के 10वें लेवल तक में शामिल होने वाले प्रत्येक कम्युनिटी मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन का और रिकंट्रीब्यूशन का 5% मिलता रहता है। दोस्तों है ना अमेजिंग। और यस, इसके अलावा बात करेंगे एक्स्ट्रा रिवार्ड के बारे में जो कि वीआईपी रैंकिंग के माध्यम से मिलता है। दोस्तों ये पहला प्रोजेक्ट है जहां पे मैंने देखा कि लोगों को रिवार्ड सम्मानित किया जाता है उनकी इनकम पे। आपने आज तक ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट देखे होंगे, किसी भी कंपनी की बात कर लीजिए, किसी भी एबीसी कंपनी से लेकर के XYZ कंपनी तक का बात कर लीजिए, ओपन कहता हूं हमेशा बिजनेस लाने वाले को सम्मानित किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इनकम करने वाले को सम्मानित किया जाता है। अब इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है दोस्तों कि अगर आपने नॉन वर्किंग के माध्यम से भी यहाँ पे आपने अर्निंग कर लिया, पैसिव इनकम के माध्यम से भी अर्निंग कर लिया, तो भी आपको सम्मानित किया जाता है। अब नॉन वर्किंग का मतलब सेंस सीधा हुआ कि आपने वर्क नहीं किया फिर भी इनकम आ रही है और उस पे आपको रिवार्ड किया जा रहा है, तो वाकई अपने आप में अलग है। दोस्तों 2500 ट्रॉन जो भी अर्न कर लेते हैं उन्हें सिस्टम वीआईपी 1 स्टार से रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके थंडर अकाउंट में 125 NWT यानी कि नेटवर्थ पॉइंट ऐड कर देता है। और दोस्तों जो लोग 10,000 ट्रॉन का अर्निंग कर लेते हैं, वो वर्किंग से किए हों या नॉन वर्किंग से किया हो, इवन यहां तक तो नॉन वर्किंग भी चलता है, तो सिस्टम उन्हें वीआईपी 2 स्टार से सम्मानित किया करता है और उनके थंडर अकाउंट में 500 नेटवर्थ पॉइंट ऐड कर देता है। और यहां से आगे जो लोग एक्टिविटी करते हैं, यानी जो लोग रेफरल करते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं, उन लोगों को सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है, उन लोगों को जो डायरेक्ट में 10 लोगों को रेफरल करते हैं, डायरेक्ट में जो लोग 10 रेफरल कर लेते हैं और वीआईपी और 25,000 ट्रॉन की टोटल अर्निंग कर लेते हैं, सिस्टम उन्हें वीआईपी 3 स्टार से रिकॉग्नाइज करता है और उनके थंडर अकाउंट में 1250 नेटवर्थ पॉइंट ऐड कर देता है। और यहाँ एक एडवांटेज और बढ़ जाता है, क्योंकि शुरुआत जब हम लोग करते हैं तो हमारे विड्रॉल पर 50% ट्रॉन हमारे वैलेट में मिलता है और 50% ट्रॉन को रिकंट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और यही जो लॉजिक है, यही लॉजिक सिस्टम को बार बार लोगों को पेमेंट करते जा रहा है। लेकिन जब आप वीआईपी 3 स्टार हो जाते हैं तो आपका विड्रॉल का रेशियो 60% हो जाता है और रिकंट्रीब्यूशन 40% हो जाता है। और दोस्तों जो लोग डायरेक्ट में 20 रेफरल करते हुए टोटल 1 लाख का ट्रॉन अर्न कर लेते हैं, 1 लाख ट्रॉन अर्न कर लेते हैं, चाहे कभी भी करें, टाइम का लिमिट नहीं है, तो सिस्टम उन्हें वीआईपी 4 स्टार से रिकॉग्नाइज करता है और उनके अकाउंट में 5,000 नेटवर्थ पॉइंट ऐड कर देता है। और अगेन एक एडवांटेज मिलता है, अब विड्रॉल करने पर 70% रॉन उनके वैलेट में जाएगा और 30% रॉन का रिकंट्रीब्यूशन हो जाता है। और अगेन कहना चाहूंगा, जो 30% रॉन रिकंट्रीब्यूट होता है उसके बदले में भी उतनी ही क्वांटिटी नेटवर्थ पॉइंट थंडर अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है, यानी वैल्यू फॉर मनी यहां पर भी हमेशा हमेशा मिलती रहती है। और जो लोग
250,000 ट्रॉन की अर्निंग करते हैं। सिस्टम उन्हें वीआईपी 5 स्टार से रिकॉग्नाइज करता है और 12,500 नेटवर्थ पॉइंट उनके अकाउंट में ऐड कर देता है। जो लोग 1,000,000 ट्रॉन की अर्निंग कर लेते हैं, 1,000,000 ट्रॉन टोटल अर्निंग कर लेते हैं, उन्हें वीआईपी 6 स्टार से रिकॉग्नाइज करता है और उनके थंडर अकाउंट में 50,000 नेटवर्थ पॉइंट ऐड करता है। जो लोग 25,00,000 ट्रॉन टोटल अर्न कर लेते हैं, उन्हें वीआईपी 7 स्टार से सम्मानित करता है और उनके अकाउंट में 1,25,000 नेटवर्थ पॉइंट ऐड कर देता है एडिशनल। और दोस्तों इतना ही नहीं, इनकम के लिए एक छोटा सा विंडो, एक छोटा सा प्रोसेस, एक छोटा सा गिफ्ट और भी है आपके लिए, और वो है रूबी रॉयल्टी रिवार्ड। इसे वर्किंग, नॉन वर्किंग, पैसिव इनकम के रूप में भी आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वन टाइम एक्टिविटी और कंटिन्यूअसली लंबे समय तक पेमेंट आती है। 10 जनवरी 2022 तक 1200 ट्रॉन से जिन लोगों ने अपने अकाउंट को अपग्रेड कर लिया, और 10 जनवरी के बाद जिन लोगों ने शामिल हुए हैं और शामिल होने के साथ साथ अपने डायरेक्ट में 3 रेफरल किया हुआ है और कोई भी वीआईपी रैंक हासिल नहीं है, ऐसे लोगों को डेली नए सदस्यों से मिलने वाले कंट्रीब्यूशन का 10% अमाउंट इक्वली शेयर कर दिया जाता है, यानी बराबर बराबर बांट दिया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको 3 तरह की इनकम मिल रही है। एक तो आपको कम्युनिटी रिवार्ड मिल रहा है जो कि 20 अपलाइन 20 डाउनलाइन के विड्रॉल पर मिलता है। दूसरा, आपने 3 रेफरल कर दिया तो उनके भी ज्वाइनिंग का और विड्रॉल पर हमेशा मिलता रहेगा 20%। और तीसरा, रूबी रॉयल्टी में जो 10% का डेली का शेयरिंग आता है वो भी हमेशा मिलता रहता है। और यही नहीं दोस्तों, इनकम का एक छोटा सा खूबसूरत सा पावरफुल विंडो और भी है यहाँ पर, और उसका नाम है दोस्तों लीडरशिप रिवार्ड। वर्किंग, नॉन वर्किंग, पैसिव इनकम के रूप में इसे भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वन टाइम एफर्ट है, उसके बाद मल्टीपल टाइम ये इनकम मिलती रहती है। दोस्तों ज्वाइन करने के बाद जो लोग अपने डायरेक्ट में 10 रेफरल करते हैं और वीआईपी 1 स्टार या वीआईपी 2 स्टार का रैंक उनको मिला हुआ है, वो सभी लोग पर डे नए मेंबर्स से मिलने वाले कंट्रीब्यूशन का 10% अमाउंट शेयर किया जाता है। दोस्तों लीडरशिप रॉयल्टी रिवार्ड, रूबी रॉयल्टी रिवार्ड डिपेंड करता है कंट्रीब्यूशन और अचीवर्स के संख्या के ऊपर, ये कम या ज्यादा होता रहता है। कम्युनिटी रिवार्ड डिपेंड करता है आपके 20 अपलाइन और 20 डाउनलाइन के विड्रॉल करने के ऊपर। जिस दिन विड्रॉल ज्यादा हुआ उस दिन रिवार्ड ज्यादा आएगा, जिस दिन कम हुआ उस दिन कम आएगा। इसमें सिस्टम का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मैनुअल किसी का भी कंट्रोल नहीं है। और दोस्तों अगेन रिपीट करना चाहूंगा, ये सारी चीजें कहां से पॉसिबल होती है? ये सब कुछ पॉसिबल होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज के बदौलत जो थंडर ट्रेंड के इकोसिस्टम में अवेलेबल है, जिनके माध्यम से इनकम बनती है और जहां टोकन का इस्तेमाल किया जाएगा। लाइटनिंग एकेडमी, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाएगा। आपको बताते चलूं, ग्लोबल मार्केट $3.68 बिलियन से ऊपर का है। एडवर्टाइजमेंट की इंडस्ट्री एड वर्ल्ड, यानी 647 बिलियन डॉलर से ज्यादा का मार्केट। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट, $3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटल है पूरा ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी का। 18,600 कुछ क्रिप्टो करेंसी रजिस्टर्ड क्रिप्टो करेंसी है अगर आप बात करेंगे क्वाइन मार्केट कैप के हिसाब से। गेमिंग इंडस्ट्री $138 बिलियन से ज्यादा की गेमिंग इंडस्ट्री की मार्केट कैपिटल है पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो। अफिलियट मार्केटिंग प्रोग्राम $8 बिलियन से ज्यादा का मार्केट कैपिटल है पूरा अगर हम बात करें ग्लोबल अफिलियट सिस्टम का तो। दोस्तों अगेन एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में चल रहा होगा, मैं इसको रॉकेट स्पीड में शेयर करते चलूं, ट्रॉन थंडर टोकन भाग जाएगी, ये आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं फील्ड करता हूं बहुत सारे क्वेश्चन मैं भी फेस करता हूं। ये इस प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं है बट फिर भी मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूं। दोस्तों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को भागने के 5 कारण मुझे पता है, आपको हो सकता है इससे ज्यादा पता हो, बट मैं जो जान रहा हूं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कंट्रीब्यूशन, यस, मार्केट से मिलने वाला पैसा जब भी किसी एक सेंट्रलाइज अकाउंट में इकट्ठा होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कितना भी लीगल पेपर वर्क करके बैठे हो, एक दिन वो फरार हो जाते हैं। और आप नहीं बिलीव करते तो हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, बट ट्रॉन थंडर में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि
कंट्रीब्यूशन के माध्यम से मिलने वाला 100% अमाउंट कम्युनिटी मेंबर को बांट दिया जाता है, और जब पब्लिक से मिलने वाला कंट्रीब्यूशन किसी एक सेंट्रल अकाउंट में कलेक्ट होगा ही नहीं तो भागने का सवाल ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाता है? आप जो पेमेंट करते हैं उसका 20% आपकी ग्लोबल कम्युनिटी में जो 20 अप्लाइन होते हैं उन्हें 1-1% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसका 10% रूबी रॉयल्टी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 10% लीडरशिप रॉयल्टी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और 60% का रेफरल रिवार्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो दोस्तों, जब पैसा सेंट्रल अकाउंट में गया ही नहीं तो भागने का सवाल है ही नहीं। दूसरी बात दोस्तों, कोई ऑर्गेनाइजेशन के भागने का दूसरा रीजन जो मुझे पता है, अगर उसने आरओआई का वादा कर दिया, डेली रिटर्न देने का वादा कर दिया, हर घंटे 1% देने का वादा कर लिया, लिख लीजिए वो 15 दिन या 15 घंटे या 15 महीने के अंदर जाने ही जानी है। और ट्रॉन थंडर में आरओआई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तीसरा पॉइंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में जा रही है, तो उसके डूबने का खतरा होता है, उसके बंद होने का खतरा होता है। दोस्तों, यहाँ पे थंडर कम्युनिटी को चलाने के लिए भी जो लेवल गैप कमीशन है उसके माध्यम से थंडर कम्युनिटी को भी अर्निंग हो रही है। यस, ये लेवल गैप कमीशन क्या है अभी आपको डाउट हो रहा होगा, मैं क्लियर कर दूं। आपकी डाउनलाइन की इनकम को लेने के लिए आपको डायरेक्ट में रेफरल करना होता है। अगर एक रेफरल करते हैं तो 4 लेवल डाउनलाइन तक की इनकम आती है, 2 रेफरल करते हैं डायरेक्ट में तो 5वें लेवल तक की इनकम आती है, 3 रेफरल करते हैं या 4 रेफरल करते हैं तो 6ठे लेवल तक की इनकम आती है, और 5 लेवल अगर रेफरल करते हैं डायरेक्ट में तो 10वें लेवल तक की इनकम आती है। अब सपोज करिए आपने 2 डायरेक्ट में रेफरल किया हुआ है और आपकी डाउनलाइन 10वें लेवल तक बन गई, 10वें लेवल तक काम हो रहा है, तो 6ठे लेवल से लेकर के जो 10वें लेवल की अर्निंग है वो थंडर कम्युनिटी को जाता है, और उसके माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो भी एक्सपेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है उसे मेंटेन किया जाता है। एंड यस, जो नेक्स्ट मुझे पता है कि फाउंडर अगर स्टार्ट करने वाला व्यक्ति प्रॉफिट नहीं कमा रहा है तो भी सिस्टम को बंद करके भागने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि आज ही अभी मेरे एक मित्र मिले थे, बोले कि मेरे पास एक अपना बैंक का CSP है, मैं उसको बंद कर रहा हूं। मैंने बोला क्यों? बोले प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ये लॉजिकल चैप्टर है दोस्तों। यहाँ पे मिस्टर JP रेडमियर खुद अपनी ID लगा करके इस सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं ग्लोबली, और प्रमोट करके डेली 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए की अर्निंग हो रही है। मतलब ऑन एन एवरेज 1.5-2 लाख, 2 लाख रुपए की उनकी डेली की इनकम है। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फाउंडर के नहीं रहने पर ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी? दोस्तों, इसके लिए ऑलरेडी स्मार्ट यूनाइटेड नेटवर्क का रजिस्ट्रेशन हो चुका है साउथ अफ्रीका में, और उसके माध्यम से CEO या कोई ट्रस्ट जिसके भी पैटर्न पे इसको किया गया है उसके माध्यम से ये ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी। और नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रॉन थंडर यानी थंडर ट्रेंड टोकन के पास अपना खुद का टोकन है, अपने खुद के 5 अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। फ्यूचर में अभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आने वाला है, रोबोट आएगा, ये सारी चीजें फ्यूचर की हैं, बट राइट नाउ अभी 5 हमारे सामने है। तो दोस्तों, ये सारी रीजन है इसके वजह से आपको थंडर में एक्टिवेट होना चाहिए। अब लौटते हैं अपने मूल विषय की तरफ, कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे इनकम करेंगे। दोस्तों, इसके लिए आप 600 ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करके सिस्टम में शुरुआत कर सकते हैं, और 600 ट्रॉन जो आप पे करेंगे 100% कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उसके बदले आपको वैल्यू फॉर मनी के तहत आपको 600 नेटवर्थ पॉइंट मिल जाएंगे। दूसरा, लाइटनिंग एकेडमी के बिगनर जो कोर्स होते हैं उसको इस्तेमाल करने का आपको एक्सेस मिलेगा। थंडरवर्ल्ड NFT गेमिंग, उसे इस्तेमाल करने का एक्सेस मिलेगा, और एडवर्ल्ड में एड देख करके भी अर्निंग करने का मौका मिलेगा। एंड अगेन, आपके 10 लेवल अपलाइन और 10 लेवल डाउनलाइन जो ग्लोबली आपको मिलते हैं बाय डिफॉल्ट सिस्टम से, जिसको आप रेफरल नहीं करते, जिसको आप जानते भी नहीं, उन लोगों के विड्रॉल पर 1% हमेशा मिलता रहता है। और अगेन एक एडवांटेज और मिलता है, अफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम का जो कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है वो आपको अगेन मिल जाता है। इसके माध्यम से आप इस कम्युनिटी को प्रमोट करके डेली 500 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए डेली का ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग ले रहे हैं, फ्यूचर में होगा नहीं बता रहे, हम जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं।
ओके। एंड आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको शुरुआत करना चाहिए 1200 ट्रॉन से, क्योंकि अगर आप 1200 ट्रॉन से शुरुआत करते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि जो ग्लोबली अपलाइन और डाउनलाइन के विड्रॉल पर 1% मिलता है, वो 10 अपलाइन डाउनलाइन की जगह आपको 20 अपलाइन और 20 डाउनलाइन के विड्रॉल का मिलना शुरू हो जाता है। और थंडर लाइटनिंग एकेडमी के सारे कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं, थंडरवर्स गेमिंग सेक्टर में जो गेम लॉन्च होगा उसको एक्सेस कर सकते हैं, एडवर्ल्ड को एक्सेस कर सकते हैं, और यस अफिलियट मार्केटिंग का 100% जो कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिलता है आप उसके माध्यम से भी डेली बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों सीखना बहुत जरूरी है, सीखना कि हमें क्या करना है, सीखना हमें क्या नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रॉन थंडर कम्युनिटी को ज्वाइन करना होगा और फिर आप हमारे ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल होकर डेली कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और इसके लिए ज्वाइन होने के लिए आपको उस व्यक्ति को संपर्क करना पड़ेगा जिन्होंने इस प्रेजेंटेशन के लिए आपको इनवाइट किया है। एंड लास्ट बट एट लीस्ट दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, ये दिल की बात है, मुझे उम्मीद है आपके दिल तक पहुंचेगी। दुनिया में प्रत्येक इंसान सपनों को पूरा करने के लिए ही काम करता है। अब खुद के लिए, खुद के सपने के लिए कर रहा है या किसी और के लिए सपने के लिए काम कर रहा है, लेकिन दुनिया का हर इंसान आप देखेंगे तो किसी न किसी के सपने के लिए ही काम कर रहा है। अगर किसी फैक्ट्री के मजदूर को आप देखेंगे तो फैक्ट्री के मालिक के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि फैक्ट्री के मालिक का सपना है कि मैं इस साल 200 मिलियन टन का प्रोडक्शन करूंगा, तो उसके लिए वो नौकर रखता है और वो नौकर अपनी नौकरी के लिए, अपनी तनख्वाह के लिए उस मालिक के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों डिपेंड ये करता है कि हम खुद के सपने के लिए काम कर रहे हैं या किसी और के लिए। अगेन मैं आप सभी को थैंक्स बोलता हूं और इसी शब्द के साथ, इसी लाइन के साथ बोलता हूं कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा धन्यवाद आपको। और यस जाने से पहले एज पर कल्चर मैं 9:53 हो चुका है और अगले 7 मिनट के अंदर इस कम्युनिटी में जुड़े हुए कुछ लोगों को इनवाइट भी करना चाहूंगा जिनका टेस्टिमोनियल भी आप जरूर सुनते जाएं, क्योंकि पिक्चर का क्लाइमेक्स हमेशा एंड में होता है और क्लाइमेक्स हमेशा वर्थी होता है, यानी पैसा वसूल होता है। अभी तक जो कुछ आपने देखा पिक्चर की स्टोरी थी, मूल क्लाइमेक्स बाकी है। क्लाइमेक्स अगले 7 मिनट के लिए मैं ओपन कर रहा हूं और इनवाइट करता हूं कुछ ऐसे साथियों को जिनको सुन करके यस आपको कुछ नई चीजें और नया विजन मिलेगा, नया रीजन मिलेगा, आपको स्टार्ट करने का रीजन मिलेगा, आपको स्टार्ट करने का रीजन मिलेगा। दोस्तों गुड न्यूज तो यह है कि ट्रॉन थंडर की रीब्रांडिंग हो चुकी है थंडर ट्रेड टोकन के रूप में और इसका लोगो भी आ चुका है, आप लोगों को मिल चुका होगा। व्हाइट पेपर भी इसी नाम से बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। टोकन का जो कम्युनिटी सेल है ये भी अपडेट हो जाएगा, तो विद इन 72 आवर है। आप प्लीज पेशेंस के साथ अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करने पे फोकस कीजिए, क्योंकि पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो कम्युनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अपनी कम्युनिटी को फोकस करिए और बाकी जेपी रेडीमेयर का जो काम है वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। और दोस्तों इस सीरीज में मैं इनवाइट कर रहा हूं और किसी और साथी को, बालकृष्ण जी वीआईपी 3 स्टार हैं, तो बालकृष्ण जी अगले 2 मिनट के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप कब ज्वाइन किए, आप अभी किस पोजीशन पे हैं, कितनी अर्निंग हुई, आगे का क्या रोड मैप है आपका। बादशाह सर जी आपने मेरे को बोलने का चांस दिया, ये पहले मैं आपको शुक्र अदा करता हूं। और एक्चुअल में आप जो आपका नाम जो रखा है बादशाह सर जी, वो इतना भारी रखा है कि आप ट्रॉन थंडर के बादशाह बने हैं, पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि इतना बड़ा कंसेप्ट इतना कम समय में बताना, ये आपके सिवा किसी को और को नहीं जम सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, आपसे सीख सीख के भूपेंद्र सिंह भी सीख गए हैं,
बहुत बढ़िया प्लान देते हो तुम्हारे बात को भी। ओके जी सर। यस बढ़िया है। और सुपर। जी हाँ, मैं जब ज्वाइन हुआ था सर, मैं ज्वाइन हुआ था अक्टूबर में, 100 डेज में मेरा गोल सेट था कि मैं VIP 3 बनूं। मैं 100 डेज में ही VIP 3 बना और मेरी टीम भी मेरे जैसे काम करती थी। मैं सबको, जैसे मैं VIP 3 बना, मैं पहले डाउनलाइन को पहले VIP 3 बनाया, फिर हफ्ते में मैं VIP 3 बना। तो फाउंडेशन में हम लोग को अपनी टीम को बड़ा करना है, ये सबको मैसेज देना चाहता हूँ मैं। अगर हमारी टीम अगर बड़ी होती है तो हम ऑटोमेटिकली हम ऊपर जाते हैं सर। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग नीचे को ऊपर लाने सोचे हैं। दूसरी बात है कि उन लोगों का अर्निंग होता है तो अपने आप ऑटोमेटिक अर्निंग हो जाता है। और हर बंदे को ट्रॉन थंडर सीखने के लिए उसने अपना समय जूम मीटिंग को देना बहुत जरूरी है सर। अगर वो जो भी बंदा जूम मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहा है वो पीछे रह रहा है, और जो बंदा जूम अटेंड कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। ये भी बहुत बड़ा मैसेज है मेरा कि जूम अटेंड करना बहुत जरूरी है सर। अभी तो मैं VIP 3 हूँ, लेकिन दुबई में आपको आराम में, जैसे गोवा में आपसे मिला VIP 3 के बाद, तो मैं दुबई में भी VIP 5 बन के आपसे मिलूंगा, GP सर से मिलूंगा, ये मेरा वादा है सर। बस इतना ही, आपने बोलने का चांस दिया, बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, आप और आपकी पूरी टीम जबरदस्त सफलता हासिल करे, बहुत सारी शुभकामनाएं सर। और इसी सीरीज में इनवाइट करता हूं काकड़े जयदर्थ जी हैं, और काकड़े जयदर्थ जी को सुनते हैं। और आप कहां से हैं, कब आपने ज्वाइन किया और अभी तक क्या जर्नी रही है? काकड़े सर अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सर? लाउड एंड क्लियर सर, बिल्कुल रॉकेट वाली स्पीड है। सर मेरे पास मिस्टर मस्के और मिस्टर जाधव, 7 तारीख को मेरे भतीजे ने बुलाया था उनको, 7 फरवरी को हमारे भतीजे ने उनको इनवाइट किया था। उन्होंने, उनकी बात हुई थी कोई कंपनी में कि ये ट्रोन थंडर के बारे में, तो उन्होंने मुझे फोन किया, क्या भतीजे ने, कि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ जानते हो? ठीक है, मैं थोड़ा पढ़ा हूं लेकिन कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैं बोला ठीक है, जो भी है भाई, कोई अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल, उनको सुनेंगे, बुलाइए उनको। तो वो घर पे आए 7 फरवरी को, घर पे आए, उन्होंने बिजनेस प्लान बताया, मैंने बिजनेस प्लान को देखा। देखने के बाद मैंने तुरंत मेरे भतीजे को बोला ये बिजनेस आप ज्वाइन कर लो, ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, आने वाले कुछ ही समय में आप अच्छे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। ये नए जनरेशन का, नया टेक्नोलॉजी का एक नया बिजनेस है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता था। उन्होंने बोला एक आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, कंपनी में काम कर रहे हो सिक्योरिटी गार्ड का, तो उसके साथ साथ आप ये बिजनेस करो तो अच्छे पैसे कमा सकते हो आप। उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया, मेरे कहने के ऊपर तुरंत ज्वाइन किया। हमारा दूसरा बेटा बाहर से तुरंत आया, उसको बोला आप भी इनके नीचे ज्वाइन करो। ऐसे करते करते मेरे एक भतीजा और 2 बेटे, इन्होंने ज्वाइन किया बिजनेस। बिजनेस प्लान 3 बार मैंने देखा, तीनों लोगों को उन्होंने एक एक करके बिजनेस प्लान बताया, मिस्टर मस्के सर ने, विठल मस्के, बिजनेस प्लान इन्होंने दिखाया। और मेरा तो बिजनेस प्लान ही याद रह गया, पूरा याद हो गया। और मैंने मेरे तीनों बेटे को, एक भतीजा और 2 बेटे को मैंने तुरंत बताया कि भाई साहब अगर आप 7 दिन में मुझे कुछ लोगों को आप बिजनेस में ज्वाइन करके दिखाते हो तो ठीक है, वरना मैं 8वें दिन मैं ज्वाइन करूंगा बिजनेस, मैं काम को लग जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग में काफी दिन मैंने निकाले, आज मेरी 55 की उम्र है, मेरे दोनों हाथ टूटे हुए हैं, एक हाथ 35% काम करता है, दूसरा हाथ बिल्कुल काम करता नहीं, दोनों पैर में बॉल डाले हुए हैं वो भी काम करते नहीं। मैं कम से कम 2 साल बेड के ऊपर था और 7 साल से बिल्कुल कोई भी काम करता नहीं था, घर पे बैठा हुआ था। जबकि मैं 2000 से लेके 2010 तक नेटवर्क मार्केटिंग किया हूं,
दो कंपनी मैंने किया है, एक हिंदुस्तान लीवर नेटवर्क के साथ में काम किया है और स्वदेशी मार्केटिंग के साथ में काम किया है। लेकिन मैं आज 55 साल की उम्र में झूठ नहीं कहूंगा, मैंने प्लान काफी देखे हुए, बिजनेस प्लान काफी देखे हुए, इतने देखे हुए मेरे पास, काफी सारे लोग आते थे क्योंकि मेरी अचीवमेंट बहुत अच्छी थी। हिंदुस्तान लीवर में भी मैं सीनियर डायरेक्टर 7 दिन के अंदर बना था और स्वदेशी मार्केटिंग में भी मैं सिल्वर था। तो मैं आपको मेरे बारे में ज्यादा नहीं कहता हूँ, मेरी उम्र ज्यादा है, मेरे कुछ ऑपरेशन भी बाकी है और ऐसी हालत में ये बिजनेस मेरे सामने आया, मैं क्या करूं और क्या नहीं ऐसा मुझे लगता है। मैं कैसे उड़ के चला जाऊं, मैं कैसे लोगों के पास पहुंचूं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत जो लोगों को बिल्कुल बिल्कुल ही आज काम नहीं है, जो लोग बेरोजगार है बिल्कुल, जो लोग अपना रोजी रोटी भी नहीं चला सकते, ऐसे लोगों के लिए ये बिल्कुल बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि दिन भर में कुछ भी किया जाए, अगर एक महीने में थोड़ा थोड़ा करके भी काम किया तो कोई भी बंदा 15,000 से 20,000 रुपए कमा सकता है, कोई भी बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है। मैं आपको ये एक मेरा अनुभव कहता हूं, मैंने एंड्रॉइड मोबाइल जिस दिन मैंने ज्वाइन किया है, 7 तारीख को मेरे बेटे ने ज्वाइन किया और 13 को मैंने जेपी सर यहाँ पे आए थे, जगन्नाथ पवार जी नासिक में आए थे, तो जगन्नाथ पवार जी के उनकी मीटिंग सुन के उसके बाद 13 तारीख को मैंने ज्वाइन किया है और 13 तारीख से आज तक मैं 8 बार घर से बाहर निकला हूं, दूसरे के गाड़ी के ऊपर बैठ के जाकर प्लान दिखाया हूं और मैं VIP 1 स्टार बन चुका हूं सर। ठीक है, कांग्रेचुलेशन सर। ठीक है सर, ये जो प्लान है, ये प्लान में जो ताकत है, ये ताकत को मैंने बहुत नजदीक से देखा है सर। एक परिवार जो छोटा मोटा परिवार जिसका 5 लोग घर में होते हैं, माँ बाप और 2-3 बच्चे, ऐसे परिवार में एक आदमी भी काम अगर करता है ये बिजनेस में तो उसका रोजी रोटी तो चलेगा, लेकिन फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे कहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम इस बिजनेस के माध्यम से उनको जरूर मिलेगा। मेरा ये अनुभव रहा है सर। ये आप जो बिजनेस प्लान बताते हो सर, ये बिजनेस प्लान आपका सुनकर मैंने याद किया है, आपका बिजनेस प्लान सुनकर मैं पूरा याद किया हूं, जबकि मेरे हाथ से मुझे लिखते नहीं आता है और मैं जबानी लोगों को बिजनेस प्लान आप जो बताते हो वही बताता हूं और बिजनेस में लोगों को ज्वाइन करता हूं। मैंने मेरे डाउनलाइन में मैंने 8 लोग जोड़े, फ्रंट में डायरेक्ट जोड़े 8 लोग और ऐसे 12 लोग हो चुके हैं। मैं 1 स्टार बनाऊं इसका मुझे ये नहीं है, मुझे कोई भी हाल में यहाँ पे 5 स्टार बनना ही बनना है, क्योंकि 5 स्टार बनने के बाद में मजा आएगा सर रॉयल्टी इनकम लेने का, रॉयल्टी इनकम। हाँ ये सर, यहाँ पे मैंने देखा है, काम करो एक बार और पैसा लो बार बार कहा जाता है, ये यहाँ पे सत्य होने वाला है सर, ये सच होने वाला है। बादशाह सर मुझे काफी समय आपने दिया यहाँ पर बोलने के लिए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और मालिक मेरा थोड़ा सा चलना फिरना मुझे और थोड़ा सा आसान कर दे, बस इसके लिए आप दुआ करो ताकि मुझे जल्द से जल्द 5 स्टार बनना है सर। बिल्कुल सर, ये सर आपकी मदद करे और आपके पूरे परिवार को हमेशा बेहतरीन कंडीशन में रखे, पूरी टीम को शानदार पोजीशन में लेके जाए, बहुत सारी दुआएं सर। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ओके, तो अभी हमने सुना काकड़े सर को और यस अभी और किसी को सुनते हैं, 10:05 हो चुके हैं, क्या करें, मन नहीं करता आप लोगों को छोड़ के जाने का, बट टाइम का ऐसा रहता है और इसी सीरीज में एक हम लोगों के बीच में है कुछ तो दिखता नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम। यस दीपक जी हैं VIP 3 स्टार जम्मू एंड कश्मीर से, तो दीपक जी प्लीज अनम्यूट कीजिए और सर मैक्सिमम 2 मिनट। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। सर काकड़े सर को सुन के ना पॉजिटिविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है सर, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुआ है सर। 26 अक्टूबर को ज्वाइनिंग हुई थी और अभी तक का सफर ये रहा है कि VIP 3 स्टार हो चुके हैं और 5 की तरफ अग्रसर है। गोवा से आने के बाद हमने एक डिसीजन लिया है कि अब VIP 5 करना ही करना है,
और डेली खुद के पर्सनल प्लान, पर्सनल वर्किंग करना शुरू कर दिया है, टीम के साथ वर्किंग करते करते पर्सनल वर्किंग कर रहे हैं। और जो ये आज आप हमारे कॉइन का नया स्वरूप देखा है, इससे हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुए, टीम से लगातार कॉलिंग आ रही है। सर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और आपकी जूम की वजह से हमारी टीम पॉजिटिव है और लगातार पॉजिटिविटी बनी हुई है। थैंक यू सर, और मैं चाहता हूँ सभी दिल लगा के काम करें और जल्दी से जल्दी इस अचीवमेंट को पूरा करें। ओके थैंक यू वेरी मच सर। एक बात की तो गारंटी पक्की है कि ट्रॉन थंडर यानी कि थंडर ट्रेंड टोकन के कम्युनिटी प्रोग्राम के माध्यम से अगले 2 साल के अंदर कोई रगड़ते हुए रेंगते हुए भी अगर काम करता आगे बढ़ा तो कम से कम 50 लाख रुपए उसके जेब में जाने वाले हैं मिनिमम। और जिसने पूरे दिल से काम किया उसने तो 7 महीने के अंदर अंदर 2 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा लिया है। लेकिन जिसने केवल सपने देखे, केवल बड़ी बड़ी बातें की, मैं ये करता हूं मैं वो करता हूं, लेकिन सबसे बड़ा गलत काम करते हैं कि अपनी जिंदगी के लिए जरा भी सिंसियर नहीं है। बहुत से लोग ट्रॉन थंडर को ज्वाइन कर करके ये सपना देख रहे हैं कि ट्रॉन थंडर लॉटरी लग गई। यस लग गई, लेकिन ये लॉटरी लगी है किस्मत बदलने की, और बदलने के लिए हमें अपना हाथ पैर चलाना पड़ेगा, अपना हुनर आजमाना पड़ेगा। लोग अभी भी इंतजार में बैठे हैं कि कोई फरिश्ता आएगा और कोई रानी परी आएगी, छड़ी घुमाएगी, ठीक हो जाएगा। अरे भाई उठिए, नींद से जागिए, ऐसा कहीं नहीं होता। किस्मत बदलने के लिए आदत बदलनी जरूरी है। आपकी इतने सालों की ये जो आदत बनी हुई है ना बहानेबाजी की, इसको बदलिए। क्योंकि आज बता रहा हूं, आप यहां नहीं तो कहीं भी जाएंगे, आपकी अगर यही आदत रही, यही हरकत रही, तो उसी तरीके से आपको बरकत मिलेगी, उसी तरीके की अचीवमेंट मिलेगी। और यस, इतना सिंपल प्रोग्राम, इतने बड़े यानी बोलते ना लार्जर देन लाइफ वाला जो प्रोजेक्ट है, ये पाकर के भी अगर किसी ने अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं हासिल किया, किसी ने बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं की, किसी ने फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हासिल किया। मेरी वॉलपेपर देखिए, मैंने वॉलपेपर पे लगा रखा है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, ये देखिए मेरे वॉलपेपर पे लिखा हुआ है, इसको लिख करके रख लीजिए, अपने घर की दीवार पे लिख लीजिए, दरवाजे पे लिखिए, डायरी पे लिखिए, मोबाइल पे लगा रखिए। क्या आजादी का सच्चा अर्थ है फाइनेंशियल फ्रीडम? अगर ये नहीं है तो आप गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। माय डियर फ्रेंड्स, वाकई में कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनली बोल जाता हूं, लेकिन हकीकत यही है। अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम में नहीं है तो इट मींस किसी न किसी के आप स्लेवरी में जी रहे हैं। उससे निकलने के लिए आपको जंग लड़नी पड़ेगी, और जंग लड़ने के लिए जो हथियार है, जो टैंक है, जो मशीन गन है, वो ट्रॉन थंडर से बेस्ट अभी फिलहाल अगले 2-3 साल तक भी दिखाई नहीं देता। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू वेरी मच। और अगर थैंक यू सर, थैंक यू मौका देने के लिए। और निर्मल राज जी हैं वीआईपी 4 स्टार, तो मैं अनम्यूट कर रहा हूं निर्मल राज जी को, वीआईपी 4 स्टार है निर्मल राज जी। कोई सुनी और कोई बचे हैं साथी वीआईपी स्टार में, एक बार इनवाइट करके देखते हैं। डॉक्टर शौकत जी वीआईपी 3 स्टार अनम्यूट कीजिए। कोई इशू है इनके साथ भी, प्रॉब्लम तो रहता ही रहता है, सिग्नल इशू हर जगह है। और कोई साथी है यहाँ पे? ओके एसआर इकबाल जी है वीआईपी 1 स्टार। एसआर इकबाल जी वीआईपी 1 स्टार प्लीज अनम्यूट कीजिए सर। वीआईपी 7 स्टार
कौन है भाई? अभी अपडेट नहीं आई लेकिन इन्होंने अपना नाम तो लिख दिया, गुड, लेकिन इतना करेज होना चाहिए। सल्यूट करता हूँ आपके इस करेज को। और यहाँ पे और कोई साथी है, किसी ने हैंड रेस किया हुआ हो? एक मिनट देखता हूँ। यस, कहाँ चले गए आप? हाँ, ये एक सेकंड, एक सेकंड। लखिंदर जी कहाँ गए सर आप? ये ना बहुत ही अपडाउन। लखिंदर जी वीआईपी 2 स्टार हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए लखिंदर जी। थैंक यू डॉक्टर सर, मैं तो यही मानता हूँ कि सिग्नल इशू होगा इसलिए आप। हेलो हेलो, ओके वेलकम सर, आवाज जा रही? नमस्कार सर, लाउड एंड क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सर। गलती से एंड हो गया था, एक्चुअली गलती से हो गई थी क्योंकि मैं सर्च कर रहा था, मेरा तो रूटीन कल्चर है कि मैं हमेशा नए लोगों को इनवाइट करता हूँ। नहीं नहीं सर, एक्चुअली मैं ना आपसे थर्ड के बाद ही दोबारा बात करूंगा, मैंने ठान रखा था, और थर्ड मेरा होने वाला है जो एक दिन में हो जाएगा, बट वही गलती से हिंदी भी हुआ था। सर बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, बोलने के लिए। बस सर, जस्ट होने वाला है और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा जब आपने मौका दिया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका जूम मीटिंग अटेंड करके बहुत ही एनर्जी आती है और आपका जूम मीटिंग से बहुत प्रेरणा मिलता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके और अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करते हैं, अच्छा लगता है कि जिस कम्युनिटी में हम काम कर रहे हैं, बहुत सारे बहुत बहुत ज्यादा विकी और हो चुके हैं, हम भी उसी लाइन है, कोशिश में है सर, इसमें है कि बहुत जल्दी ही वीआईपी 5 कंप्लीट करके और दुबई जा सके। मेरे टीम से 5 लोग गए थे गोवा के लिए। वाओ ग्रेट, मेरी मिसेस का तबियत खराब होने के कारण मैं कर पाया आप लोग से, मैं अटेंड नहीं पाया, मैं नहीं जा पाया, लेकिन अगस्त तक का जो ऑफर है सर वो अचीव करके और दुबई तो जाना ही है, और मेरे टीम से लगभग 25-30 लोगों को दुबई साथ लेके जाना है सर, ये टारगेट मैंने लेके रखा हुआ है और बहुत मजा आ रहा है सर। 20 साल से नेटवर्क कर रहा हूँ, नेटवर्क में खोया पाया बहुत कुछ, बहुत बड़ा लीडर तो नहीं हूँ सर, लेकिन यहाँ ट्रोन थंडर में आके संतुष्टि है कि जो भी काम कर रहा हूँ, मेरे काम के मुताबिक जो मुझे मिल रहा है वो मेरे काम के मुताबिक बहुत बढ़िया मिल रहा है और कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रोन थंडर लोगों को जब मैं बताता हूँ, एक ही बात बोलता हूँ, ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है, मार्केट में ऑल ओवर वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड, मैंने अपना ग्रुप का ही नाम रखा हुआ है ट्रोन थंडर वर्ल्ड वाइड, अब उसको तो जो अभी अपना नाम अपडेट हुआ है वो अपडेट कर देंगे। मैंने वर्ल्ड वाइड इसलिए लिखा है क्योंकि पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि ट्रोन थंडर जैसा कोई और दूसरा प्लान है सर। इसको कॉपी करके डुप्लीकेट बहुत लोगों ने बनाया बट कोई नहीं टिका और टिकेगा भी नहीं, क्योंकि टिकने से सोच है हमारे जेपी रेड्डी की जो सोच है उसको मैं सल्यूट करता हूँ, बहुत जबरदस्त इंसान है और एक अच्छा इंसान, अच्छा माइंड अगर और हमारे तो कल्याण हो रहा है सभी दोस्तों से। मेरा मेरे तरफ से यही गुजारिश रहेगी कि दिलो जान से काम कीजिए और जो भी आज तक हमें नहीं मिला वो यहाँ से डेफिनेटली मिल सकता है और वो भी अल्प समय में मिल सकता है। धन्यवाद सर। ओके सर, हेलो, ओके ग्रेट, धन्यवाद सर। सो थैंक यू वेरी मच आपकी इस बहुत खूबसूरत सी और पावरफुल शेयरिंग के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके और आपकी पूरी टीम के लिए। और यस, कोई साथी और हैं आज?
डॉक्टर शौकत जी वीआईपी 3 स्टार। यस, मैंने आपको अनम्यूट किया सर, प्लीज अनम्यूट करें। सर बादशाह सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम। हाउ यू नो, खैरियत? यस अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड ग्रेस। जी सर, थंडर में आकर के बहुत अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूं, लेकिन एक मुझे बहुत भारी कष्ट है कि मैं गोवा नहीं पहुंच पाया गवर्नमेंट जॉब के ऐसे हम बंधन में फंस गए मार्च क्लोजिंग की वजह से सर, कि मैं पहुंच नहीं पाया। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। दुबई चलिए, नहीं गोवा गए, दुबई चलिए। लेकिन ये है कि वहाँ के जो है सुन सुन करके जो है अजीब सी एक पीस हो रही है कि काश मैं भी वहाँ रहा होता। मुझे इस बात का कमाल, वो बहुत ही प्रीशियस मोमेंट था, वो बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट था। जी जी सर, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, पर ये है कि आपका आशीर्वाद और दुआ रहा तो दुबई इंशाल्लाह 100% पहुंचूंगा और कई साथियों के साथ पहुंचूंगा। और मुझे कुल मिलाकर के इस थंडर में देख रहा हूँ कि दुनिया का सबसे सुपर जो अगर कोई प्लान और प्रोजेक्ट अगर है तो ये थंडर है। इसमें मैं 3 महीने में अपना पार्ट टाइम में वीआईपी 3 स्टार बना हूँ, और अगर फुल टाइम में मैं रहता तो मैं लगभग 5-7 पहुँचने के कर रहा था। ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस, मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह से इसमें जो है मौका निकाल करके इसको जीतना है। किसी भी हाल मैं बगैर जीते जो है रुकने वाला नहीं हूँ, मुझे पूरा जो है विश्वास है। और इस थंडर का प्लान जो है जिधर जा रहा है उधर जो है एकदम आग का गोला जैसे उस तरीके से जो है जब का नाम है उड़ रहा है, लेकिन लोग इसको हल्के में भी समझ रहे हैं, और जो लोग हल्के में समझेंगे वो बहुत पछतावा करेंगे। कल दिन अगर जो है ये PTT टोकन 100% कंप्लीट हो गया है और इस बेस में लग रहा है कि लोग कुछ लोग बैठे हुए हैं कि आएगा तो जो है लड्डू मुंह में खा लेंगे, नहीं तो इसी तरह पड़े रहेंगे, जिसकी वजह से वो अपने आप को जो है ये बहुत भाग्यशाली नहीं कहे जाएंगे, इसलिए कि वो लड्डू जो है बगैर किए मजा नहीं आता है। कोई भी काम करने से पहले जो है आदमी उसी तरह सोचे कि मैं बैठ के ही लड्डू पा जाऊं तो वो मजा नहीं आता है। जब तक वर्क करके आदमी ना पाए, वर्क करके जो मिलता है उसमें एक अलग तरीके के जो है का नाम है खुशी होती है और अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होता है। तो मैं ये कहूँगा कि थंडर को दिल से लोग लें और इसको जो है अवॉइड ना करें, और इसको जो अवॉइड करेगा वो दिन जो है जीवन में जो है वो अपने आप को जो है इतना कोसेगा कि काश मैं इस चीज को समझ लिया होता और अपने समझ करके समय पे वर्क किया होता। अगर ये 10% भी अपना जो है समय का जो है वर्क किए होते 10%, तब भी आदमी जो है कामयाबी के तरफ इसमें कोई रोक नहीं पाएगा। इतना तगड़ा मैजिक, इतना जबरदस्त इनकम, इतना जबरदस्त चीज मैं जीवन में पहली बार पाया हूँ। और यहाँ से जो व्यक्ति अगर कुछ लायक नहीं बन सकता है, करोड़पति अरबपति नहीं बन सकता, तो मैं समझता हूँ कि नेवर दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ से वो करोड़पति या अरबपति बन पाए, मुझको नहीं लगता। मैं ये चाहूंगा साथियों कि जो लोग भी हमारी आवाज को सुन रहे हैं, इसमें जो है अभी भी समय है, और ये तन मन धन से लग जाएं और डेली कम से कम जो है 8-10 प्रोग्राम करेगा जो व्यक्ति, और जो व्यक्ति को अपने लोगों के प्रोग्राम जिनको किया है उन लोगों में से 50% जो है लोगों को अटेंड कराएगा जूम मीटिंग इनवर्सेट, दैट इज फैक्ट, दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है, ये मेरा दावा है। इसलिए कि बादशाह आलम की जो आवाज है और जो बादशाह आलम साहब का जो बताने की शैली और टैक्टिस है, ये मैं जानता हूं कि शायद ही जो है इतना सुपर ब्रीफ करने वाला व्यक्ति कोई होगा जो एकदम नीट एंड क्लीन साफ सुथरी आवाजों में एक अनपढ़ भी जो है गंवार जिसको कहा जाता है वो भी व्यक्ति इसको सीख करके और सफलता की तरफ अग्रसित हो सकता है, बढ़ सकता है, इतना सुपर चीज है। और ये जो है इसलिए कि इंसान का माइंड जो होता है मैं समझता हूँ कि वो कंप्यूटर से ज्यादा वायरस घुसता है, इंसान के माइंड में कंप्यूटर से ज्यादा वायरस घुसता है,
और माइंड वॉश का जो कार्य आप करते हैं, ये दुनिया की कोई ताकत और कोई कंपनी इस तरीके काम नहीं करती है, जो डेली जो है 24 घंटे भी कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक बादशाह आलम सर हाजिर हो जाते हैं और अपने ऐसे अनोखे अंदाज में अपने जो है जलवे को बिखेरते हैं कि पागल होकर के आदमी जो है साला जो नहीं भी चलने वाला होता है मुर्दा भी कुछ देर के लिए खड़ा होकर के चलने लगता है। ये पोजिशन आपके अंदर है और यही कारण है कि ट्रिपल टी ये जो है टोकन टर्न थंडर इतना आगे जाएगा, इतना जाएगा कि वर्ल्ड में इसको एक अलग पहचान मिलेगी और अलग इसका जो है जलवा होगा। और उस जलवे में जो आदमी अगर छट गया, जो आदमी हट गया, जो आदमी लौट गया, वो जीवन भर अपने आप को अपने परिवार को कहाँ ले जा करके छोड़ेगा, दुनिया में उसको कोई जगह नहीं मिलेगी। इतना सुपर चीज पा करके आदमी अगर अगर कहीं बेहोश है, चेत नहीं रहा है, तो ये समझ जाइए कि वो बहुत अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। मैं यही कहूँगा कि ये ऐसी चीजों को पा करके ये जीवन में लाइफ में कभी कभी एक बार ऐसा चांस मिलता है, कभी कभी ऐसा मौका मिलता है और किस्मत जो है दरवाजे पे जाती है, दस्तखत देती है, जो इसको जो है अटेंड कर लिया, जो इसको बढ़िया से समझ लिया वो कामयाब हो गया और जो इसको ठुकरा दिया वो जो है नरकों में उसको जगह नहीं मिलेगी, वो तबाह हो जाता है। तो मैं यही चाहूंगा कि भाई ये थंडर जो है बहुत चीज है और आप सारे लोग मन धन से इसमें लग करके अपनी सफलता जीत सफल हुए हैं। छोटे बड़े भाई साथी कि सारे लोग मिलजुल करके अपने जो है कर्मों को थंडर की दारी एक बार कर लें और ज्यादा दिन नहीं करना, मात्र 6 महीना कर लें, उनको जो है सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बात को वापस करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर शौकत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों 246 अभी साथी बचे हुए हैं, इट मींस कि आप में जान बाकी है, क्योंकि अभी तक बचे रहना ये बताता है कि आप में जान बाकी है। अभी आप लोगों ने चला है चंद कदम, अभी पूरी उड़ान बाकी है। दोस्तों जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। एक बात मैंने जो अभी डॉक्टर शौकत जी से सुना उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और वो इसलिए कि अगर हमने वो इम्प्रूव करके बोलना शुरू कर दिया ना तो फिर मजा जाएगा। जैसे डॉक्टर शौकत जी ने कहा, देखिए हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं लाइफ में, मैं भी करता रहता हूं, तो मुझे भी कोई सिखाता है, मुझे भी कोई गाइड करता है, और मुझे कहीं किसी चीज की दिखती है तो मैं बोल देता हूं। देखिए नंबर एक, अगर वो बोलते हैं ना कि अगर तुमने ठान लिया, तुमने अगर मान लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, ये हम यहाँ पे आधा सही बोलते हैं और आधा गलत बोलते हैं। रीजन, जब हम बोलते हैं कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, इट मींस हम दुनिया में जो गॉड है, खुदा है, परमेश्वर है, वाहिगुरु है की जो पावर है उसको हम चैलेंज कर देते हैं। अगर हमने ये इस सेंटेंस की जगह पे ये सेंटेंस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि अगर तुमने ठान लिया, अगर तुमने चाह लिया तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ लग जाएगी, तुम्हें सफल बनाने में, तुम्हें कामयाब बनाने में, तो यकीन मानिए ये सेंटेंस आपकी जिंदगी को बहुत हद तक बदल के रख देगा। तो कभी भी ये ना कहें कि तुम अगर ठान लोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। भाई सबसे बड़ी ताकत तो है ही ना, वो भी तो दुनिया में ही है, तो प्लीज उसको सपोर्ट में लीजिए, उसके हमें अगेंस्ट नहीं आना है, क्योंकि जो कुछ भी है उसी की मेहरबानी है। और दूसरी बड़ी बात कि कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनको एक महात्मा ने कहा था, उन सभी लोगों को एक महात्मा ने कहा था कि बच्चा 30 फीट नीचे पानी अगर तुम गड्ढा खोद लोगे तो मीठे पानी का झरना मिल जाएगा। अब महात्मा ने कहा कि 30 फीट गड्ढा खोदना है और जो लोग हैं वो 30 फीट गड्ढा कई जगह जाके खोद रहे हैं, और वो भी ऐसी जगह पे जहां पानी निकलने का भी सवाल नहीं है, वर्षों वर्षों तक खुदाई होती रहे तो भी। तो प्लीज समझिए
गड्ढा एक ही जगह खुदाई करना है और वो भी वहां पे जहां पे संभावना है। और संभावना कैसे दिखती है आपको प्रोजेक्ट को समझ करके आ जाना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स कल मिलेंगे राइट 9 PM बहुत सारी अपडेट्स के साथ। उम्मीद है कल शाम तक या परसों शाम तक हम लोगों के बीच में जो कम्युनिटी सेल है टोकन का वो लाइव हो जाएगा और यकीन मानिए बहुत ही सुपर सुपर मोमेंट है ये। तो आप सभी के बहुत सारी खुशियों के लिए, आपके ब्राइट एंड हैप्पी फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।